एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डाब नींबू और आंवले का जूस बना रही हूँ। उसके लिए डाब नींबू ले, आंवला ले और 2 गोल मिर्च। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालें, नमक और पीसी हुई चीनी, आप काला नमक भी ले सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसमें नमक डालें और पीसी हुई चीनी दे, पीसी हुई चीनी दे के इसे अच्छे से पीस लें। जब ये अच्छे से पीस जाए तो इसे छटनी से, छटनी में इसे छान ले। ये काफ़ी पौष्टिक है और बहुत हेल्दी है। ये पेट के रोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत यम्मी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब ये जूस रेडी है, इसे ग्लास में डाल के सर्व करें। और ये काफ़ी हेल्दी है, एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। आप चाहे तो, अगर डाब नींबू थोड़ी खट्टी है तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी मिला सकते हैं। मेरी वाली डाब नींबू मीठी थी तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। ये काफ़ी यम्मी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे बनाकर, काफ़ी हेल्दी।